असलकम बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन में लेटर नंबर फोर्टीन रीड करेंगे द टॉपिक ऑफ़ द लेटर इज़ राइट अ लेटर टू यर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट अपनी बहन को हथ लिखना है और गिफ्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा करना है डेयर सिस्टर आई होप ड यू आर इन गुड हेल्थ मुझे उम्मीद है कि आपकी सेहत अच्छी होगी आई रिसिव्ड योर गिफ्ट ऑफ़ अ रिस वॉच ऑन माई बर्थडे टू डेज अगो अगो means पहले रिस्ट वॉच कलाई पे बांधने वाली घड़ी मुझे दो दिन पहले आपका गिफ्ट मिल गया था जो कि रिस्ट वॉच था इट इज beautiful वॉच ये एक बहुत खूबसूरत घड़ी है आई नीडिड इट बैडली टू मुझे इसकी शदीद जरूरत भी थी टू means भी as आई happened टू लूज़ माई वॉच इन अस हैप अ फ्यू डेज अगो मिस हैप हादसा लूज खो जाना क्योंकि चंद दिन पहले एक हादसे में मैंने अपनी घड़ी खो दी थी आई प्रोमिस दैट आई शल टेक केयर ऑफ इट मैं वादा करती हूँ कि इस घड़ी का ख्याल रखूँगी इट इल ऑल्सो हेल्प टू मेक मी पंक्चुअल ये मुझे वक्त का पाबंद बनाने में भी मदद करेगी पंक्चुअल आई थैंक यू अगेन फॉर दिस precious गिफ्ट precious कीमती मैं इस कीमती तोहफे के लिए आपका दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ अगेन यर्स अफेक्शनेटली एक्स वाई जी नाउ आई होप आप पहले वाले दोनों लेटर्स याद कर चुके होंगे आज का आपका होमवर्क है आपने ये लेटर याद करना है लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़